आरके पांडे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक SNM जिला चिकित्सालय एवं क्षय रोग के आश्रम फिरोजाबाद, जनपद के सभी निवासियों को दीपावली के इस पावन पर्व पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम बधाइयां देता हूं। उनका यह पर्व बहुत हंसी खुशी हर्षोल्लास से बीते और उनके जीवन में खुशियाँ लाए। नमस्कार, मैं उमाकांत पचौरी, SKH न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे आज के बुलेटिन में आइए जानते हैं कि कौन सी खबर ने बटोरी सुर्खियां और कौन रहा चर्चा में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फिरोजाबाद में थाना पचोखरा पुलिस द्वारा हत्या का सफल अनावरण, पत्नी ने ही प्रेमी की साथ मिलकर की थी पति की हत्या। देखिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। गुड्डी देवी के नाजायज सामान पड़ोसी युवक सत्येंद्र पुत्र अंगद सिंह उम्र करीब 27 वर्ष के थे। मृतक सूरजपाल ने करीब 8 माह पूर्व दोनों को बंद कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उस समय सत्येंद्र को उसके परिजनों द्वारा घर से निकाल दिया गया, जो टेढ़ी बगिया आगरा में किराए पर रहता है। अब से करीब 5 दिन पूर्व गुड्डी देवी सत्येंद्र के पास गई कि यदि मुझे पूरी तरह से अपने साथ रखना चाहता है तो सूरजपाल को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे भूल जाओ। फिरोजाबाद से अमित पारासर, सहयोगी अजय सरपा, SKH न्यूज। का अनावरण किया, जिसमें मृतक की पत्नी और उसके एक सहयोगी से जिसका नाम की सत्येंद्र है, उसको उनके द्वारा हत्या करना खुला है और दोनों गिरफ्तार किए गए। क्या रीजन पाया है, क्यों हत्या की? प्रथम दृष्टि इनका कहना है कि कुछ आपसी संबंध थे, लेन देन के विवाद थे, इसको लेकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया। ये थाना पचोखरा में एक ग्राम गालिब के जंगल में जो है 13 तारीख को अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसमें गाँव वालों ने फिर बाद में सूचना थी कि ये मृतक सूरजपाल का है और उसकी हत्या की आशंका जताई गई। पोस्टमार्टम कराया गया, उसमें तक ये अननोन था कि कैसे घटना हुआ होगा। हमारे चुकरा की पुलिस टीम ने इस पर अच्छा सुरागदर्शी करते हुए और घटना का अनावरण किया, जिसमें मृतक की पत्नी और उसके एक सहयोगी से जिसका नाम की सत्येंद्र है, उसको उनके द्वारा हत्या करना खुला है और आज दोनों गिरफ्तार किए गए। क्या रीजन पाया गया, क्यों हत्या की? प्रथम दृष्टि इनका कहना है कि कुछ आपसी संबंध थे, लेन देन के विवाद थे, इसको लेकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जनपद की क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग द्वारा पकड़े गए 2,500 रुपए के जाली नोट, पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। 2017 को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग जायलो गाड़ी में बैठे हुए हैं, जो नकली नोटों का कारोबार करते हैं तथा वहां पर किसी को नकली नोटों की डिलीवरी देने आए हैं। उक्त सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम एवं थाना दक्षिण पुलिस मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची तो देखा कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी जायलो गाड़ी में 02 लोग अंदर बैठे हुए हैं। क्राइम ब्रांच टीम एवं थाना दक्षिण पुलिस द्वारा जायलो गाड़ी को घेरते हुए दबिश देकर गाड़ी में बैठे हुए दोनों व्यक्तियों को समय करीब 8:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो दोनों व्यक्तियों से 2000 के 78 व 500 के 34 जाली भारतीय मुद्रा के नोट बरामद हुए। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना दक्षिण पर मुकदमा अपराध संख्या 774/2017 धारा 489 पंजीकृत किया गया। एक ग्रुप को पकड़ा है जिसमें 2 लोग सम्मिलित थे, इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जो सोनवीर और कुल उदयपाल हैं। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाती है। इनकी कस्टडी से 2000 के 1,56,000 मूल्य के नोट और 500 के 17,000 मूल्य के नोट बरामद हुए। इनका कोई पुराना इतिहास? हाँ, इनका पुराना आपराधिक इतिहास है और इटावा से ये सोनू और सुखबीर जो है फेक करेंसी केस में वांछित थी। इसका एक साथी वहाँ पे अभी पकड़ा गया है, उस केस में वो वांछित है और इसके पहले भी ये सूरजपुर नोएडा से और रामगढ़ से
जेल जाते हैं। सर जलेल कितने समय से ये लोग इस काम को करते आ रहे हैं? प्राइमरी इंटरोगेशन से ये पता लगा कि पिछले 5-6 वर्षों से इस कार्य में लिप्त हैं और नई करेंसी का ये पहला काम है जो इन्होंने बताया। इसमें सर और भी किसी साथियों के नाम बताए? हाँ, हमें कुछ और इसके बैक एंड सपोर्ट का नाम पता चले हैं जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम उसको ओपन नहीं करना चाहते, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। इसमें कितना पैसा इन्होंने चला दिया होगा अपने जिले में? नहीं, अभी तो ये स्पेसिफिक पता नहीं है, लेकिन कुछ पैसा इन्होंने यूज़ किया है और बाकी ये बचा हुआ है अमाउंट। फरीदाबाद में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा तहसील सागर में 5 सूत्री मांगों को लेकर किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, देखिए हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट। तहसील में आज उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार एवं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा लेखपालों को दिए जा रहे संसाधनों की कमी के चलते कार्य करने में असावधानी होने पर धरना दिया गया है। फिरोजाबाद से अजय शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। तहसील मंत्री हूँ मैं लेखपाल संगठन का, और हमारी मुख्य रूप से 5 मांगे हैं। जैसे एक चपरासी को जो वेतन 10 साल बाद मिलता है, वैसे ही हम खरगेटे में सिलेक्शन होने के बाद भी 10 साल बाद हमें वही वेतन मिलता है। ये समस्या है, समान सेवा पर वेतन विसंगति की समस्या है, और ई डिस्ट्रिक्ट के काम के लिए सरकार ने हमें थोप दिया है, हम उसे कर रहे हैं, लेकिन ना तो लैपटॉप है, ना है प्रिंटर है, ना नेट है, कोई व्यवस्था नहीं दी। अभी तक कैसे काम चलाते थे? अभी तक हम अपने संसाधनों से व्यक्तिगत पैसा खर्च करके व्यक्तिगत तरीके से इधर उधर भटक करके कहीं प्राइवेट कैफे पे जाके सेंड करते हैं, और इस काम को हमने आज 17-10-2017 से बहिष्कार कर दिया है इस काम का। इसमें पब्लिक को प्रॉब्लम होगी, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, तो हमारी मजबूरी है, व्यवस्था है कि हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। यहाँ सर कितने लेखपाल अभी उपस्थित हैं? 100% लेखपाल उपस्थित हैं, हमारे यहाँ 48 की स्ट्रेंथ है, सभी लोग उपस्थित हैं। डोरीलाल जी, ये वार्ड नंबर 38 में भमरे की तरह ये मडरा रहे हैं पार्सल, आप अपना कैसा प्रत्याशी चुनने जाएंगे क्षेत्र में, जैसा कि आप अपना वोट दे सकें? कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? प्रत्याशी चुनना चाहते हैं तो हमारा काम है, आए का फायदा है कि हम हमारे ढूंढे और वो नहीं आए। और ठीक है, और कोई भी विकास के नाम पर? विकास का कोई मुद्दा नहीं है? विकास मतवल करे और देखावारी करे। नहीं, विकास क्या करे? विकास क्या करे? ये लट्टा है, लट्ठे लग गए, करंजा है, पार्सल ही इलेक्शन के दौर से पहले ही लट्ठा लाइट सारी लगा चुकी है, अब पार्सलों का क्या करना है? अब क्या करना है, जो कमी है वो करनी है। लाइट वगैरह चालू होगी तभी देगा। नहीं है, नहीं तो आप पार्सल शिक्षित चाहते हैं अशिक्षित चाहते हैं? सुरक्षित चाहते हैं। शिक्षित या अशिक्षित? शिक्षित। शिक्षित चाहते हैं आप? मेरा नाम विजय तिवारी है। विजय तिवारी जी, कहाँ रहते हैं आप? गंगा जमुना नगर। वार्ड नंबर कितना पड़ता है? वार्ड नंबर 38। आप अपने क्षेत्र का प्रत्याशी कैसा चुनना चाहेंगे? आप वोट देंगे मडरा रहे भौरे की तरह, कैसा वोट देंगे, किसको देंगे, और कैसा प्रत्याशी चुनेंगे आप क्षेत्र में? कम से कम अच्छे से अच्छा ही होना चाहिए, शिक्षित एवं ईमानदार, हमारी बात सुनने वाला, और हम कोई काम कराएं तो वो काम करे। विकास के नाम पर? विकास के नाम पर अच्छा काम करे, ये नहीं हो के हम जाएं और वो वहाँ से कह दे भाग जाओ।
नहीं, खरंजा भी हो चुका, लट्ठे भी लग चुके, अब विकास क्या चाहते हैं? महिलाओं के बारे में पेंशन वगैरह इस चीज़ को चाहते हैं आप? हाँ, विधवा पेंशन और जैसे 60 साल पेंशन और ये राशन कार्ड, गरीबी देखा, लोन फोन, ये सब, ये जो करवा सके उसको वोट देंगे आप? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलवीर सिंह है। दलवीर सिंह, वार्ड नंबर कितना पड़ता है आपका? 38 सर। 38 यानी 38। 38 वार्ड नंबर में बड़े बड़े बमरे की तरह बड़े बड़े चुनिंदा आ रहे हैं यहाँ। इलेक्शन का दौर आने वाला है, पार्षदी का जोर की तैयारियाँ चल रही है, आप अपने क्षेत्र का प्रत्याशी कैसा चुनना चाहेंगे? हम प्रत्याशी ऐसा चाहते हैं कि कोरे लो लोहावन जो है आश्वासन न दे, एक्चुअली ग्राउंड पर कुछ करके दिखाए जी, और शिक्षित हो जी, उसमें मादा हो कि ये कार्य करा सकता है इस चीज में, ऐसा प्रत्याशी चाहिए, न कि यहाँ तो कोई ट्रैक्टर वाला है, कोई कुछ है, मैंने तुम्हारे मिट्टी डाली, फलाना मुझे वोट दे दो जी। ऐसा नहीं चाहिए। जो आदमी अपने क्षेत्र के लिए कुछ विकास कर सके, जो जनता का की भलाई के लिए कुछ। बड़े बड़े नेता आते हैं इलेक्शन से पहले, बड़े बड़े वादा करते हैं और जीतने के बाद में फेल हो जाते हैं, क्या ऐसे आदमी को वोट देंगे आप? नहीं, ऐसे आदमी को वोट नहीं देंगे। कैसे आदमी? हम सिर्फ आदमी को वही उसी को वोट देंगे जो धर्मेंद्र कुमार। वार्ड नंबर कितना पड़ता है आपका? 38। प्रत्याशी बहुत खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 38 में। अमरपाल जी, ये बताइए आप कैसा प्रत्याशी चाहेंगे, जो जिसको वोट दो किसके नाम पर वोट चाहेंगे? प्रत्याशी ऐसा कैसा क्षेत्र में चुनना चाहेंगे जो आपका साथ दे, कैसा चाहेंगे आप? भले लिखा हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा काम करे, और क्या है, और विकास के नाम पर विकास अच्छा करा है। मैं आपका, मेरा नाम सौरभ लहरी। सौरभ लहरी जी, वार्ड नंबर कितना पड़ता है आपका? सर वार्ड नंबर हमारा 38 है। यहाँ के प्रत्याशी हैं आप, प्रत्याशी इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, भंवरे की तरह मंडा रहे हैं, बड़े बड़े प्रत्याशी आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, एमएलए एमपी सारे इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन होने से पहले बड़े बड़े इरादा करते हैं, मगर वो जीतने के बाद सभी फेल हो जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? जनता आपको वोट क्यों दे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आप जो कह रहे हैं उससे भी सहमत हूँ, बट केवल वही लोग जो बड़े बड़े लोग आते हैं, जाते हैं, वादे करते हैं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, ना मैं किसी को कुछ अभी दिखा रहा, ना मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ अन्यथा, मैं सिर्फ अपने घर घर जाके सब लोगों को ये जागरूक कर रहा हूँ कि हमें अपना क्षेत्र शिक्षित और सुशील अच्छी तरह बनाना चाहिए, वो सहयोग हम आप सभी लोगों से मिलकर हो सकता है, जब तक हमें एकता नहीं होगी, हम सब लोग मिलेंगे नहीं, एक अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे नहीं, तब तक हमारा ये कार्य, यहाँ का कार्य, हर चीज़ संभव नहीं है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं अपनी क्षेत्र की जनता को, क्योंकि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, तो अपनी क्षेत्र की जनता को मैं शिक्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहला कदम मेरा ये होगा, जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, जो पढ़ाई से वंचित हैं, उन लोगों को मैं शिक्षित करना चाहूँगा। दूसरा, मैं सबसे दूसरी बात यह है कि मैं अपने क्षेत्र की जो बिजली और पानी की समस्या है उससे निवारण दिलाऊंगा सभी लोगों को, ये मेरा वादा है। मैं सिर्फ ऐसा वादा, सभी अभी भी कह रहे थे आपने वादा के, मैं वादा नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं अपनी जमान से मैं वादा कर रहा हूँ, बड़े बड़े नेता आते हैं वादे के पीछे। मेरा वादा कि आपने सुना नहीं, मेरा वादा ये है, मैं वादा प्लस कोशिश कामयाब होती है हमेशा, वादा तो करते हैं, कोशिश करूंगा मैं पूर्णतः सभी लोगों के प्रयासों से, केवल मैं अकेला ही नहीं, सभी लोगों के प्रयासों से, और मैं इस क्षेत्र में आया हूं, जनता के बीच में अपनी बात रख रहा हूं, अगर व्यक्ति को लगे कि एक शिक्षित व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति और व्यवहार कुशल व्यक्ति, अगर आपको लगे कि मैं इस लायक हूं, तो जनता मुझे वोट देगी। पहले तो मैं बताएगा नहीं बताएगा नहीं बता। परशुराम कॉलोनी में। क्या नाम है आपका? शल्ला जी, अभी ये पार्षद का इलेक्शन वाला, कैसे आदमी को आप अपना वोट देंगे? अरे भैया, जो समाज वाला हो तो देंगे वोट। नहीं, समाज वाला कैसा? समाज वाला, अब कैसे बताऊं मैं, क्या जानू? नहीं, कैसे आदमी को वोट देना चाहती है अपना? अच्छे को देंगे। अच्छा, शिक्षित या अशिक्षित, या पैसे वाले को या गरीब को? अरे गरीब जैसे हम है तैसे वे। मैं आपका राजेश यादव। राजेश यादव जी, सभी ये अभी जो पार्षद का फिरोजाबाद में नगर निगम का चूल्हा मंडरा आ रहा है भंवरे की तरह, सब खड़े खड़े हैं, बाजार लग रहा है गलियों गलियों में, अब जनता आपको राजेश यादव जी वोट क्यों दे? जनता के लिए सभी नेता आते हैं, पार्षद, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, सभी वादा करते हैं, मगर चुनाव हो जाता है, जीत हासिल करने के बाद वो असफल हो जाते हैं, आप जनता के साथ क्या क्या करेंगे जो जनता आपको वोट दे? सब नेता आते हैं, वो झूठ आश्वासन देते हैं,
मैं वादा करता हूँ कि कोई भी जनता मुझे पुकारेगी वो हर समय उपलब्ध रहूँगा। कोई भी समस्या है उनके लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा। किसकी समस्या में उपलब्ध रहेंगे? पानी है, बिजली है, खरंजे हैं, यही छोटे से काम होते हैं जनता के, और क्या है। तो जनता से इस तरह वोट मांगेंगे तो विकास के नाम पर मांगेंगे या शिक्षित के नाम पर? जनता कहती है कि मेरे फलाने काम में पार्षद ही नहीं आए, तो क्या आप आधी रात तैयार रहेंगे जनता के साथ? जी बिल्कुल रहेंगे। कौन सा वार्ड पड़ता है सर आपका? 38 नंबर।